देख सकते भाई 8:21 हो गया और अभी तक सेम प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि सीट तो बचा हुआ है लेकिन सीट बुक नहीं हो पा रहा क्योंकि सर्वर के इश्यू है। यदि आपके साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम आता है बार बार, यानी 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट, आप लोगों को सिंपल एक ही तरीका है। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जेलन। तो दोस्तों आज हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से लाइव टिकट बुक करके देखने वाले हैं क्या 1 से 1.5 मिनट में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट बुक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने YouTube पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें बताया गया है 50 से 60 सेकंड में हम कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं, तो हम लाइव यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:59:40 हो चुका है, तो मैं फटाफट लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ 9:59:52 हो चुका है, मैंने यहाँ फाइनली लॉग इन कर लिया हूँ। देख सकते हैं 9:59:58 हो चुका है, यानी कि 60 सेकेंड हो चुका है, यानी फाइनली आपको 10 बज चुका है। मैंने लॉग इन भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर प्लान वाइज जोनी पे क्लिक करता हूँ, इसके मैं यहाँ पे हमें फॉर्मेट स्टेशन टू स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, इसके बाद तत्काल कोटा सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप लोग मैंने फिर डेट ऑफ जर्नी, इसके बाद हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। आप लोगों का ध्यान रखना, सर्च ट्रेन पे आपको 11:10:02-3 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस ट्रेन में टिकट बुक करना है, सिंपल आपको कोटा सेलेक्ट करना है। तो मैं स्लीपर में करना है, स्लीपर में सेलेक्ट किया हूँ, देख सकते हैं 33 सीट का कोटा है। सिंपल मैं क्लिक करता हूँ, पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करता हूँ, एग्री पे क्लिक करता हूँ। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ओके, आप लोगों को मास्टर लिस्ट में पहले से पैसेंजर डिटेल फिल करके रखना है, इसको ओके करना है। इसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी तेज़ी से फिल करने का। इसके बाद हमें एरिया पिन कोड डालना है, डाल चुका, पोस्ट ऑफिस मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंश्योरेंस, इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करता हूँ, जोनी डिटेल पर क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे 10:54 हो चुका है, यानी कि 1 मिनट ख़त्म हो चुका है, अभी मैंने सेकेंड पेज पर ही नहीं गया हूँ। अब बुक नाउ प्लीज़ वेट का देख सकते हैं कितना, 10 सेकेंड हो चुका है, 15 सेकेंड भी हो चुका है, यहाँ पे कितना टाइम लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से प्रॉब्लम आ रहा है इस टाइम, जिसकी वजह से तत्काल टिकट बुक नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे देखे थे आपने 32 या 33 सीट की कोटा था, देखते हैं कितना सीट पे हम पहुँच बचा हुआ है अभी, क्योंकि अभी तक देख सकते 30-40 सेकेंड हो चुका है। इसके बाद मैंने सेकेंड पेज पे आया हूँ, देख सकते हैं। और देख से अनेबल टू परफॉर्म दिस ट्रांजेक्शन प्लीज़ ट्राई अगेन, फिर से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। फिर से ओके करते हैं, इसके बाद मैं रिव्यू जोनी डिटेल पे फिर से क्लिक करते हैं, सॉरी, देख सकते हैं फिर से हमें यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है ट्रांजेक्शन एरर, यानी कि इस समय देखते तो जल्दी कर बुक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। यानी कि इस समय IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से फिर से तत्काल टिकट बुक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इससे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट किया गया था तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तो मुश्किल हो गया है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट बुक करना। यहाँ देख सकते 10:02:04 हो चुका है, अभी तक सेम एरर आ रहा है, क्या टिकट बुक हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। रिव्यू जोनी टेबल फिर से क्लिक करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तो अब देख सकते हैं एरर ही आ रहा है, फिर से एरर आ रहा है, फिर से एरर आ रहा है। हाँ देख सकते हैं अभी एरर ही है एरर। चलो मैं इसे फिर से लॉग आउट करता हूँ, फिर से मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ सीट बचा है या फिर नहीं बचा है, क्योंकि इस तरह का एरर आया था ऐसे भी बुक नहीं हो पाएगा, इसे मैं कट करता हूँ, ठीक है ओके। इसके बाद फिर से मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लॉगिन किया हूँ, देख सकते अभी 10:51 हो चुके हैं, यानी 3 मिनट होने वाले हैं 10 के, लेकिन अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर की जो प्रॉब्लम था अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। फिर से मैंने IRCTC लॉगिन कर लिया, फिर से मैं कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि मान लो अगर सर्वर से एरर होगा तो सबके साथ यही होगा, क्योंकि अगर सर्वर से एरर नहीं हुआ, इस ऐप से एरर होगा तो जितने भी सीट होगा वो ख़त्म हो गया होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो टिकट हार्ड रूट का टिकट जो बुक होता है सॉफ्टवेयर से टिकट बुक होता है, इस बात को आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ कैप्चर फिल कर ली, इसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ। इसके बाद मैंने प्लान माई जोनी पे क्लिक किया हूँ, इसके बाद हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद कोटा सेलेक्ट करना है, इसके बाद हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं। क्योंकि आपने देखे थे लाइव मैंने टिकट बुक कर रहा था तो वहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन एरर का एरर आ रहा था। इसके बाद हम सिंपल 3rd AC पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी 20 सीट दिखा रहा है, यानी कि सर्वर का एरर था। इसको आई एग्री पे क्लिक करते हैं,
ओके, ऐड पैसेंजर पे हम क्लिक करते हैं। पैसेंजर इसलिए जो मास्टर लिस्ट सेव करके रख के ओके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है, जो सीट आपको दिखा रहा था गलत भी शो करता रहता था, इसलिए जब तक आप लोग फाइनल एंड पे नहीं पहुँचेंगे तब तक सही सीट अवेलेबिलिटी दिखाएगा नहीं। तो देर स्वाद को भी जानना जरूरी है कि आप सोच रहे होंगे तो सीट अवेलेबल होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या होता है। तो अभी देख सकते 4 मिनट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बुक टिकट प्लीज़ वेट, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है सबसे घटिया अपडेट है। तो यहाँ पे जो फंस जाता है तो इस समय टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ये बता सकते हैं, जैसे प्लीज़ वेट का जो ऑप्शन आ रहा है ये कैसे हट सकता है, तो कमेंट करके बताना। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा यदि आप लोग जानना चाहते हैं। तो देख सकते हैं सेकेंड पेज पे आ चुका हूँ। अभी भी समझ लो 4 मिनट हो चुका है, 10:04, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। अनेबल टू परफॉर्म दिस ट्रांजेक्शन, प्लीज़ ट्राई लेटर, यानी कि ये सर्वर की इशू है इस समय, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम आ सकता है दूसरा बार प्रॉब्लम नहीं आ सकता। देख सकते हैं क्योंकि 20 सीट भी अभी जो बचा हुआ सेम प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि अभी सर्वर की इशू है। यानी देख लो क्या हो रहा भाई, 10:05 हो गया अभी तक। अब बताओ क्या करना चाहिए। चलो IRCTC की वेबसाइट से चेक करते हैं, शायद वहाँ से बुक हो जाए। IRCTC में ओपन करता हूँ, IRCTC इशू होगा था, रेल कनेक्ट और वेबसाइट दोनों वर्क भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं रिव्यू दोनों डिटेल पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ। तो यह सर्वर के इशू है, छः 7 मिनट हो चुका है। बैक करता हूँ एक बार, शीर्षक पे क्लिक करते हैं। 20 सीट बचा हुआ था, जो 33 सीट का कोटा था, फिर मैं क्लिक करते हैं, देखते हैं 16 सीट के, यानी कि 4 सीट अभी भी कम हुआ है। यानी कि ये टिकट बुक तो हो रहा है, लेकिन ये टिकट जो बुक हो रहा होगा काउंटर से बुक हो रहा होगा, क्योंकि IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करना तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसी में देखते हैं 16 सीट इसमें बचा हुआ, वैशाली में देखते हैं, ट्रेन चेंज करके देखते हैं। वैशाली में भी 41 सीट बचा हुआ, यानी कि सर्वर की इशू है, नहीं तो इतने टाइम में ना ये सारे सीट ख़त्म हो गया होता है। ओके, इसके बाद हमें एड्रेस फिल कर लेता हूँ। देख सकते भाई 8:21 हो गया और अभी तक सेम प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि सीट तो बचा हुआ है लेकिन सीट बुक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्वर के इशू है। यदि आपके साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम आता है बार बार, यानी 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट, तो आप लोगों को सिंपल एक ही तरीका है, जिससे कि आप IRCTC की वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं, तो सिंपल आपको बार बार ट्राई करते रहना है। अगर एक आईडी आपके पास है, 2 आईडी है, तो आपको एक आईडी से अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस आईडी को लॉग आउट करके दूसरा आईडी आपको लॉगिन करना है, जिससे कि आपको जैसे ही सर्वर ओपन होगा तो आप लोग इजीली तरीके से बुक कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना, ओके करना है, यहाँ पर 10-15 सेकेंड वेट करना है, और फिर से आपको रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है, क्योंकि यदि सर्वर चल जाता है तो ऑटोमेटिक आप लोग नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, लेकिन सर्वर नहीं चला तो आप लोगों को सेम प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही प्रॉब्लम है, बस आप लोगों को यही करना है, 10-15 सेकंड वेट करना है, फिर से आपको रिव्यू जोन डिटेल पे क्लिक करना है। यदि पेज फिर से लॉग आउट हो जाता है तो फिर से लॉगिन करना फटाफट, और इस पेज पे आपको आ जाना है। अभी देख सकते हैं 10:08 हो चुका है, लेकिन अभी तक साइट नहीं चला, यानी कि अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर का इशू देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कब तक साइट चलता है, आप लोग बार बार यहाँ से ट्राई करते रहना है, जैसे ही सर्वर चलेगा तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और इजीली तरीके से आप लोग कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं पे एंड करता हूँ।